खुद स्टोव रखते थे खुद उसमें रोटियां पकाना और हमारा भी ये था कि हम सेक रहे हैं ये बेल रहे हैं कभी कुछ कभी कुछ और जब पढ़ाने पे आते थे तो वही बिल्कुल जैसे बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाते थे लेकिन प्यार करने पे आते थे तो हम तो जफिया पा के लिपटते रहते थे कभी मैं लिपट गया कभी और लिपट गए मित्रों पिछले दो साल से करीब हर रोज़ मैं यहाँ गुरुजी के पास यानी डॉक्टर हेमत सिंह सिन्हा जी के पास आ रहा हूँ और हर रोज़ आपके कुछ ना कुछ प्रश्न हम लेते हैं कुछ ना कुछ विषय होते हैं जिनके ऊपर गुरु बोलते हैं पर गुरु तो मानो हिंद महासागर हैं उनकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगता उसमें से कितना निकालें कितना छोड़ें मुझे लगता है कई जन्म कम पड़ जाएंगे उसको समझने में तो मेरे ऊपर और मेरे बहुत सारे जो दोस्त आप सब के सब बने हैं यूट्यूब के माध्यम से उन सब के ऊपर गुरु जी की असीम कृपा है पर हमें तो ये बहुत छोटा सा कृपा का एक हिस्सा मिला है और उसी में हम फूले समाते नहीं और गुरु जी का जो अपना समय रहा है यूनिवर्सिटी के समय का वो तो अद्भुत रहा है और जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ गुरु जी को रिकॉर्ड करने तब गुरु जी के पास लोग मिलने के लिए आते हैं बातें सुनाते हैं तो तब मेरा मन होता है कि काश के मैं आपको वो बातें सुनवा पाता तो आज भी एक ऐसा ही समय रहा श्री जनार्दन शर्मा जी हमारे यहाँ हरियाणवी फिल्मों का एक बहुत बड़ा नाम है हास्य की भूमिकाएं उनकी रही हैं करीब हैं फिल्मों में उन्होंने काम किया कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो एसोसिएट रहे एम डी यूनिवर्सिटी रोहतक से वो निदेशक सांस्कृतिक विभाग रिटायर हुए हैं तो वो भी बहुत सारे अनन्या शिष्यों में से गुरुजी जी के एक शिष्य रहे हैं तो आज हमने उनके सामने दो प्रश्न रखे एक तो उनकी अपनी जो यात्रा रही उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने हमें बताया और दूसरा गुरु के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई कि सुनते हुए इस तरफ वो उनकी आंखों में और दूसरी तरफ हमारे हाल वैसे के वैसे और फिर लगता है कि हम अपने आप को बड़भागी माने कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि हमने गुरुजी को यानी कि डॉक्टर हेमंत सिंह सिन्हा जी को देखा है तो आइए आज आपको वो तमाम अनुभव सुनाते हैं जो कितने ही विद्यार्थियों के मन में गुरु जी के प्रति रहे हैं आसमान की ऊंचाइयों तक मेरे परम पिता ही मैं कहता हूँ आसमान की ऊंचाइयों पर ले गए और जैसा कि अभी थोड़ी देर बता रहे थे कि मेरे नाम की 12 फरवरी उन्नीस में कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में मेरे नाम की नाइट मनी जैसे रफ़ी नाइट लता नाइट ये होती हैं और गुरुजी ने अभी बताया आपके सामने कि कोई ऐसा स्टूडेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बारह फरवरी उन्नीस सौ बहत्तर से पहले या आज तक बाद में किसी को इतना सम्मान नहीं मिला था कि उस वक़्त के गवर्नर श्री बी एन चक्रवर्ती जी आए थे उस प्रोग्राम में और उन्होंने अवार्ड दिया था और ये सारा का सारा ए टू जेड केवल और केवल इसका जो श्रेय जाता है मेरे पिता तुल्य मेरे परम पिता परमेश्वर डॉक्टर हेमत सिंह सिन्हा जी को जाता है क्योंकि उनके बारे में जो मेरे विचार है ना मैं समझता हूँ कि गीता जी में और श्री कृष्ण को माना गया है कि उन्होंने जीवन का सार खोल के रख दिया गीता में और उस सार को मेरे गुरुदेव ने इस ढंग से प्रस्तुत किया है इस समाज में कि उनसे भी ज़्यादा मैं मानता हूँ कि कृष्ण से भी ज़्यादा जो कुछ बातें रह गई थी वो गुरु जी ने और खोली हैं गीता के माध्यम से तो मेरा मानना ये है और मानना भी नहीं बल्कि मेरा पूर्ण विश्वास है मैं थोड़ा सा कटु उसमें जा रहा हूँ कि आजकल के जो धोल कपड़िया जो संत मठाधीश और येर वो कर रहे हैं एक मेरा मेरे जो गुरु जी हैं वो इस पूरे संसार के साधारणतम व्यक्ति हैं धोती का पहनना साइकिल पर चलना अभी तक अस्सी पिचासी साल तक साइकिल पर चलते थे और आप यकीन मानना कि किसी भी विषय में चले जाएं, केवल दर्शन शास्त्र ही नहीं इकोनॉमिक्स में चले जाएं, पॉलिटिक्स में चले जाएं, लॉ में चले जाएं, साइंस में चले जाएं, मैथमेटिक्स में चले जाएं, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में चले जाएं, जितनी गहराई से इनके विचार आप एक एक बात पूछिए शुरू से 1970 से और जब मैंने अनुभव किया तो उससे पहले भी ऐसे ही होंगे मैंने क्या अनुभव किया मैं आपको बताता हूँ उन्नीस में जब हमने मैंने यहाँ एडमिशन लिया दर्शन शास्त्र में फिलॉसफी में आया तो था ए, ये क्या कम्युनिकेशन जो होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए नहीं मिला तो इन्होंने ही, आते ही इन्होंने मैंने पहले बताया ना कि शुरू में आते ही पार्क ही तो एक ही नज़र में देख लेता है कि भाई ये पारस का पत्थर है इसमें क्या गुण है तो इन्होंने वो आते ही मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा और मुझे अपनी छत्रछाया में ले लिया जितने भी आज तक 1970 और आज तक कितने साल हो गए कम से कम ये समझिए 45 साल हो गए ज़्यादा ही हो गए पचास के करीब होने को हैं तब से ले अब तक जितने भी इनकी छत्र छाया में जो जो बच्चे निकले हैं केवल हरियाणा या कुरुक्षेत्र भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में बल्कि अंतरराष्ट्र अलग अलग देशों में भी इनके पढ़ाए हुए इन के द्वारा शिक्षा दे पाए हुए स्टूडेंट पूरे संसार में छाए हुए हैं और अलग अलग सफेद अलग अलग फील्ड में क्यों कि इन्होंने जो सात्विक शिक्षा दी है ना जो आत्मिक शिक्षा दी है उसका ये प्रचार वो रहा है कि हर व्यक्ति अपनी सही लाइन पे और सही दिशा में और पूर्ण रूप से गहराई समुद्र जितनी गहराई में डूब के और वो इनके माध्यम से एक कहते हैं ना कि बच्चे की उंगली पकड़ के चलाना तो हर बच्चे को इन्होंने उंगली पकड़ पकड़ के चलाया है और वो उंगली पकड़ के चलने वाला बच्चा जो है ना आज मैं पचहत्तर साल का हो गया आज भी अमिट छाप है यहाँ पे गुरु जी की वो किस लिए है कि इन्होंने हर बच्चे को हर स्टूडेंट को अपना पिता तुल्य प्यार दिया है और इसके साथ जब उस टाइम तो सालों साल की बात है खुद स्टोव रखते थे खुद उसमें रोटियां पकाना और हमारा भी ये था कि हम सेक रहे हैं ये बेल रहे हैं कभी कुछ कभी कुछ और जब पढ़ाने पे आते थे तो वही बिल्कुल जैसे बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाते थे लेकिन प्यार करने पे आते थे, तो हम तो जफियाँ पा के लिपटते रहते थे कभी मैं लिपट गया कभी और लिपट गए मतलब सैकड़ों की संख्या में इनके पास महादेव मोहल्ला में मकान था इनके पास रहते थे स्टूडेंट्स वहीं काटते थे वहीं कभी भी किसी में दुर्भाव नहीं किया और जितना परमात्मा ने इनको दिया तनख्वाह आई वो सब बच्चों पे लगा दिया करते कि जब यूथ फेस्टिवल के दिन आए तो रात के ग्यारह ग्यारह बारह बारह बजे तक गुरु मेरे पिताजी अपनी छत्रछाया में साथ रह करके हमें प्रैक्टिस करवाया करते और खुद देखिए मेरे मनोहर लाल फादर के ना वो भी ढोलक और उसी तरह से बिल्कुल जो ना गुरु भी ढोलक खुद बजाते थे और हमारे कथित गाव जन्माष्टमी का जो भी कार्यक्रम जो भी ए, आ, 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 प्रोग्राम हुआ करता ना जन्माष्टमी के दिन ए, ये जो मंदिर है अपना बिरला मंदिर इसके चौक पे पॉली फोटो स्टूडियो हुआ करता उसके सामने दरिया भी सजाया करती और सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट आ जाते टीचर्स आ जाते और गुरुजी जी वहाँ ढोलक ले बैठ जाया करते और जो रसिया का प्रोग्राम हुआ करता मैं कहता हूँ सारी रात चलता था लोग 12 ग्यारह बजे बारह बजे अपना वो व्रत तोड़ते थे लेकिन 12 बजे के बाद जो सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक रसियाई रसिया ही रसिया और गुरुजी ढोलक बजाते बजाते गवाते भी थे और कहते थे खड़ाओ और खड़ा हो जो मैं वो अलग अलग मुद्राएँ नटखट मुद्राएँ जो किया करता था डांस में वो डांस का प्रभाव इतना हुआ कि आज तक मुझे डांस में और वन एक्ट प्ले में हरियाणा की यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी में जजमेंट के लिए भेजा जाता है और इसी तरह से होली के उसमें होली में भी जो रसिया हम पूरी यूनिवर्सिटी में लगातार कभी किसी तरह के कॉमेडी कि वो करते हैं टाइटल दिया करते गुरु जी लड़कियों को लड़कों को अलग अलग यूनिवर्सिटी में होली दिवाली दिवाली मेला और इस तरह के मतलब इनकी छत्र छाया में इतना वो एक तरह से गोल्डन पीरियड था इस यूनिवर्सिटी का जितने भी यूथ फेस्टिवल होते थे उनमें सब में रात के 12 बारह बजे तक खुद अपनी देख रेख में तैयारी तो करवाया करते चाहे वो थिएटर का हो चाहे स्किट हो चाहे डांस हो चाहे फोक सिंगिंग हो खुद ढोलक बजा बजा के या कंपनिस्ट नहीं आया करते उस वक्त बाद में जब फाइनल लिया करता जब बुला लिया करते क्योंकि फाइनल में स्टेज पे हम ही कह दिया करते गुरुदेव आप नहीं बजाओगे लेकिन जितनी भी प्रैक्टिस करते थे जितनी भी रिहर्सल करते थे उनमें खुद ही रिदम बजाते थे बीच में टीचर्स डे हुआ करते स्टूडेंट्स यूनियन के फंक्शन हुआ करते एक फंक्शन ऐसा ही अभी उसका भी जिक्र हो रहा था कि 12 फरवरी उन्नीस को मेरे नाम की नाइट मनाई थी और उसमें ये जवान एड फंड के लिए प्रोग्राम किया था विशेष रूप से और गवर्नर आए थे और उसमें मेरे अकेले के सात या आठ नौ आइटम थे उसमें डांस भी था ड्रामा भी था म्यूज़िक भी था भोलेनाथ भंडार बनेंगे मुझे अभी तक याद है और ऐसी ऐसी कॉमेडी की वो क्यों और मोक मुशायरा था उनमें ऐसी ऐसी नज़में ऐसे ऐसे शेर इन्होंने जो लिखे हुए हैं और साथ में मैं थोड़ा जिक्र करूँगा नहीं है परमात्मा उनकी चांद चांद साहब साथ में हुआ करते लेकिन सब में दस ग्यारह का ग्रुप हुआ करता है हमारे टीचर आर पी हुडा जी थे और बाद में वाइस चांसलर सब में इनकी छवि लगती थी मेरे को ये एक तरह से वही बात है ना कई बार फिल्मों में दिखाते हैं पत्ते पत्ते में भगवान तो मेरे को तो कण कण में डॉक्टर हिम्मत सिंह सेना दिखाई दे रहे हैं और जब तक मेरी अंतिम सांस तक मुझे दिखाई भी देंगे क्योंकि इतना सहारा इतना मतलब वो मिला है इतना प्यार मिला है मैं आपको क्या बताऊं इस बारे में तो धीरे धीरे फिर बारह फरवरी उन्नीस को और देखिए फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया था मेरा एमए का सेकंड ईयर क्लियर हो नंबर कमाए उसका पता नहीं वो क्या अपने साथ ही सलाह लिया करते हैं साथ ही सारे और बच्चे भी थे मैं भी था तो विशेष रूप से मैं कहूँगा वैसे तो सभी बच्चों को बिल्कुल प्यार किया करते बराबर का मेरे अंदर क्या था क्या नहीं था इन्होंने जो आज भी मैं दर्शन करता हूँ उस परमात्मा आत्मा के इनके अंदर कि आज भी मेरे को उतना ही प्यार कमी नहीं आई है तो क्या दवाई ले के आए थे वो मलाई में चटा के और वो मेरे को दे दिया करते कि ये चाट ले और विशेष और पढ़ाई का सिलसिला वैसे तो हर बच्चे के साथ मेरे विशेष रूप से मतलब ये कहा करते ऐसे ऐसे समझाए जैसे घर सिंपल शहर जैसे इनका मैंने बताया ना कि पूरे वर्ल्ड में इन जैसा सिंपलेस्ट आदमी व्यक्तित्व तो नहीं मिल सकता तो इसी तरह पढ़ाई में भी जब बच्चों को पढ़ाते थे लगता ही नहीं था कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं जैसे पिता घर में बात समझाता भाई ऐसे कर लेना ऐसे करोगे तो ऐसे था, वो रास्ता ठीक नहीं ये रास्ता ठीक है तो इस तरह से मतलब ये पढ़ाई जब करवाते थे अपना सब्जेक्ट में और केवल दर्शन में ही नहीं दूसरे बच्चे भी इनसे गाइड लेने के लिए आते थे चाहे वो लॉ के किसी भी सब्जेक्ट के और उनको भी जब एक बार जो बात बता दी आज तक हमने वही है कि हमने जो एक बार सीख लिया था वो आज तक भी यहाँ अमिट है यहाँ पे है तो वो दवाई क्या थी क्योंकि आयुर्वेद आयुर्वेद रत्न भी किया हुआ है गुरुदेव ने तो सारा का सारा वो दवाई दे फिर नेक्स्ट टाइम जब इम्प्रूव किया तो फिफ्टी नंबर बन गए मेरे ये देखिए ये है सारे मतलब एक टीचर के प्रति और मन से आत्मा से मैं तो यही कहूँगा कि परम पिता परमात्मा इनका सानिध्य हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और जितनी भी भगवान श्री कृष्ण लगा लो राम लगा लो ब्रह्मा विष्णु महेश लगा लो माँ भगवती लगा लो उन सभी से हम तो रात दिन यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव को स्वस्थ रखे जाएं बस और हमारी कोई इच्छा नहीं है ना धन की इच्छा ना किसी बस इनको स्वस्थ रखे जाएं और ये स्वस्थ रहें तो हम भी स्वस्थ हैं लखनऊ से हाँ गुरु जी ने टीम भेजी थी वो लखनऊ से सोलह वार्ड लेके आए थे इंक्लूडिंग ओवरऑल ट्रॉफी जब गुरु जी डायरेक्टर यूथ वेलफेयर के उसमें तो इन्होंने सारा तैयार करके वो ग्रुप भेजा था कि टॉप ग्रुप इन इंडिया वहाँ जगदीश जी हुआ करते वहाँ के लखनऊ के एमपी वो ऑल इंडिया फेस्टिवल किया करते थे तो उसमें करीब साठ लड़के लड़कियों का हमारा वो गया था अस्थाना साहब के उसमें मित्तल साहब के उसमें और सारा इन्होंने पहले तैयार करवाया गुरुजी ने सब अपनी देख रेख में हर आइटम जो है ना भंगड़ा क्या डांस क्या कव्वाली क्या मैं एक बात बताऊँ कव्वाली बहुत गुरु जी के तैयार करवाया करते तो कव्वाली मैंने अपने प्रयासों से नेशनल लेवल पे शुरू करवाई कव्वाली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में कव्वाली नहीं हुआ करती तो बिल्कुल अलग से उसका नेशनल कवाली के उसमें शुरू करवाया है गुरु जी के आशीर्वाद से पचास उन्नीस सत्तर से जब से छत्र छाया में संपर्क में मैं के आया और आज तक इस क्षण तक मैंने कभी गुरु जी के चेहरे पे मन में किसी भी प्रकार से क्रोध का लेश मात्र भी वो नहीं पाया इनके मन में और किसी तरह से बातों में चेहरे पे लेष मात्र भी क्रोध नहीं देख पाया मैं आज तक